नमस्ते बच्चों, कथा इस श्रेणी में आज भी हम प्यार के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। प्यार का मतलब भी एक प्रकार की सेवा करना, ये भी तो हो सकता है। तो बाबूजी महाराज की हमने कथा सुनी, बाद में बाबा अमते की कथा सुनी, उन्होंने पूरे समाज की सेवा की। तो आज भी ऐसे ही एक व्यापारी की बात हम करेंगे। एक व्यापारी था, बहुत पैसा वाला तो नहीं था। उसने सोचा कि भगवान को एक दिन 108 केलों का प्रसाद चढ़ाया जाए। ऐसा करके वो केले लेकर के और निकला। तो बहुत पुराने समय की बात है, तो बैलगाड़ी में चल रहा था। तो जाते जाते दूर था मंदिर, वो एक गांव में छोटे रहता था और मंदिर शहर में था, तो वहाँ उसको जाना था। तो जाते जाते वो रास्ते में थोड़ी उसको नींद लग गई और उठा तो उसने देखा कि उसका जो गाड़ीवान था, बैलगाड़ी वाला चलाने वाला था, वो उस केले में से एक केला लेकर के खा रहा था। तो उसको तो बहुत गुस्सा आ गया कि अरे ये केला ये खा जाएगा तो मैं 108 केले वहाँ प्रसाद कैसे चढ़ाऊँगा भगवान को। तो उसने उसको डांटा। तो उसने दीन भाव से कहा कि मालिक गलती हो गई, लेकिन मैं भी क्या करूँ, पिछले दो दिन से वो गरीब हूँ मैं बहुत, तो पिछले दो दिन से मैंने खाना ही नहीं खाया बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि एक केला इसमें से खाता हूँ तो ज़रा मुझे पेट में थोड़ी राहत मिलेगी। तो व्यापारी ने जब ये सुना तो उसकी आँख खुल गई। अरे अरे अरे, ये गरीब आदमी जो बेचारा दो दिन से भूखा था, तो उसको एक केले से क्या देने में क्या अपने को हर्ज है। लेकिन सोच ये रहा था कि अब 108 केले वहाँ जाने थे, अब 107 ही केले बचे हैं, तो क्या करें। उसने सोचा कि ठीक है, चलो देखते हैं, वहाँ जा कर के कुछ केले खरीद लेंगे। ऐसा सोच करके गाड़ी आगे निकाली। आगे जा रहा था तो देखा रास्ते के बाजू में कुछ बच्चों का एक झुंड खड़ा था। वो भी बहुत गरीब बच्चे थे, अनाथ लग रहे थे, एकदम अशक्त, पेट भी उनका अंदर गया होगा, भूखे होंगे। तो उसको दया आई उनकी। उसने प्यार से सभी बच्चों को, 8-10 बच्चे थे, सभी को केले खिलाए। और थोड़ा आगे गया तो कुछ गाय जो थी वो उनके साथ चलने लगी, क्योंकि केले इसमें भरे थे। वो देख करके उनको ऐसा लगा कि इसमें से कुछ केले हमें मिलेंगे। तो इस व्यापारी ने उन गायों को भी थोड़े केले दिए खाने के लिए। और थोड़े आगे गया तो बंदरों का एक झुंड आया, वो भी ये केला खाना चाहते थे, तो उसने वो बंदरों को भी थोड़े केले दिए। तो ऐसा करते करते वो मंदिर में जब पहुंचा, तब 108 में से सिर्फ एक केला बाकी बचा था। तो वो इस एक केले का प्रसाद उसने चढ़ाया भगवान को और प्रार्थना की कि भगवान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ करना, मुझे 108 केले आपको देने थे लेकिन मैं नहीं दे पाया, और फिर से इतने सारे केले खरीद करके लाने की मेरी औकात नहीं है, इतने पैसे मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मुझे माफ़ करना। ऐसा वो बार बार कहने लगा और मंदिर में ही उसको फिर से नींद आ गई। तो नींद में भी वो बार बार रोते रोते भगवान से माफ़ी मांग रहा था। इतने में भगवान प्रकट हुए उसके सपने में और उन्होंने कहा कि बेटा तुमने जो केले सबको दिए वो सारे केले मैंने ही खाए हैं, मुझे पहुंच गए हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, और तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छा किया है। इसी प्रकार का प्यार भाव सभी के साथ रखो और अपना व्यवहार करो तो तुम मुझे ज़रूर पाओगे। इसी का ये सार ये है कि भगवान को पाना है तो सबके साथ प्यार बांटते रहो, प्यार के साथ सबको पेश आओ, तो भगवान ज़रूर हमें मिलते हैं, है ना। धन्यवाद।